अरे मार्च सर, आपका सिंग ऑन व्हील्स, सिंग ऑन फोर व्हील्स हो गया है। इट डू कम, हां इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और बिकॉज़ जगह से ये व्यू दिखता भाई, बट फोटोज अच्छी आती है भाई। तुम क्या जानो हो खूबसूरती को, दुनिया में आगे आगे चलूं मैं, इतने मेरी जिंदगी थोड़ा सा जी लूं आज, मर्जी है कच्चे कच्चे रस्तों पे जिंदगी है टेढ़ी सी। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं फिलहाल हूँ पालमपुर में, जो कि धर्मशाला से थोड़ा पहले है। एंड दिस इज द सीनरी ऑल ओवर हियर बिहाइंड मी। ये हमारा होटल है विच इज क्वाड्स हिमालयन ब्रदर्स, यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। हाँ जी, कितना फिर सारे, आज है हमारी ट्रिप का डे टू। आज हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं ग्योटो तांत्रिक मॉनेस्ट्री। अभी आई डोंट नो कि वो खुली हुई है नहीं खुली हुई, जस्ट देखा था बहुत सुंदर है बनी हुई, तो वहीं जा रहे हैं। दोनों बाइक्स ले रहे हैं, गाड़ी भी ले रहे हैं। बाकी आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट दूंगा वहीं जाके, बिकॉज आज मोटो व्लॉगिंग नहीं होगी। आज मैंने टर्बन बांध दिया, पग बांध दिया, तो आज हम नॉर्मल व्लॉगिंग करेंगे, मोटो व्लॉग नहीं करेंगे। मोटो व्लॉग शायद ये भाई करें, ये बीच में थोड़ी देर बाइक चलाएगा, हेलमेट मंगाया इसने तो कल की तरह थोड़ी थोड़ी बकचोदी करेगा ये व्लॉग में। बाकी अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए निकलने का। प्लान था 10 बजे का और अभी 12 बज रहे हैं, गर्मी भी बढ़ गई है काफ़ी। और मैं मास्क लगा लेता हूँ सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उसके बाद निकलते हैं। आप लोगों को सीधा मॉनेस्ट्री में मिलता हूँ, या हो सकता है बीच में गाड़ी चलाऊँ तो गाड़ियाँ मिलते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, कल से ध्रुव भाई ने सिर्फ मेरा इंस्टाग्राम ही नहीं, मेरी बाइक भी हटाए रखी है, तो फिलहाल मैं उसे गाड़ी चला रहा हूँ। एंड जैसा कि मैं प्रॉमिस किया था, मास्क मैंने लगा लिया फॉर आर सेफ्टी, फॉर एवरीवन सेफ्टी, नॉट जस्ट आर्स, एवरीवन सेफ्टी। एंड यहाँ से जो मॉनेस्ट्री है लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर हमारे होटल से, एक चोट हो गई। जो मॉनेस्ट्री है वो बंद है, पब्लिक ने शायद ओपन नहीं किया ड्यू टू सेफ्टी रीजंस, अगेन गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो अभी हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं यहाँ से कांगड़ा फोर्ट, जो हमारी सेकंड डेस्टिनेशन थी आज की। ध्रुव भाई मेरी बाइक छोड़ने का तैयार नहीं है बिल्कुल भी, तो आज गाड़ी पे ही ब्लॉग करेंगे। तो आज आपका सिंग ऑन व्हील्स, सिंग ऑन फोर व्हील्स हो गया है, तो ऐसे ही ब्लॉग करेंगे। कुछ अच्छा दिखेगा रास्ते में तो दिखाएंगे, नहीं तो सीधा पहुँचते कांगड़ा फोर्ट और वहीं जाके आगे कंटिन्यू करते हैं। बीते लम्हों को बुला के पल थोड़े से चुरा के, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए। तो भाई मैं क्या बोल रहा था, क्या हम हैं मनमौजी बंदे, बिल्कुल भाई, जहाँ कुछ अच्छा दिखा रुक गए, बिल्कुल भाई। और आप लोगों को दिखा देते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया नजारा है। कितना ज्यादा क्लियर पानी है, क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ क्लियर। तो गाइस अपना तो यही हिसाब है, जहाँ कुछ अच्छा दिखा, बाकी को रुकना नहीं रुकना, भाई को रुकना है, भाई रुकेगा तो सब रुकेंगे। और मुझे अभी रियलाइज हुआ कि आप लोगों को मेरे एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे होंगे, मैं बोल रहा था भाई रुकेगा तो सब रुकेंगे। शाम है काली सी, कोई स्याही, लिख दो इसे तुम्हारी कहानी, तुम हो मुसाफिर और जिंदगी सफर, टुकड़ों में जैसे कहानी है बड़ी, रास्तों पे जिंदगी है छोटी सी, इस पल को जी लो जैसे पल है कोई आखिरी, बीते लम्हों को बुला के पल थोड़े से चुरा के, बीते लम्हों को बुला के पल थोड़े से चुरा के, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए। हम लोग पहुंच गए हैं कांगड़ा फोर्ट, टाइम हो गया है ओहो 2:20 हो रहे हैं टाइम,
20 हो रहे हैं, यानी 2:20 हो रहा है टाइम एंड दिस इज द फोर्ट स्टार्टिंग है। दूर से हमने देखा था तो काफ़ी मैग्निफिसेंट, काफ़ी सुंदर लग रहा था। बाकी चलते चलते आप और भी दिखाते हैं। सो गाइस, अगर मैं आपको थोड़ा इस जगह के बारे में बताऊं तो ये यहाँ की लोकल राजपूत फैमिली का फोर्ट था एक टाइम पे, एंड ये जो सारा स्टोन है ग्रेनाइट एंड लाइम मोर्टार है ये सारा। सो गाइस, ये फोर्ट को कैप्चर करने की कोशिश की थी महमूद गजनी ने, शेरशाह सूरी ने और मोहम्मद तुगलक ने, बट तीनों ही फेल हो गए थे। देन अल्टीमेटली अराउंड 1620 में जहांगीर ने, जो कि अकबर का बेटा था, उसने कैप्चर किया था ये फोर्ट को। So guys, जैसा यू कैन सी इधर लिखा है यमुना, लिखा है गंगा, बिकॉज मैंने बताया जहांगीर जो रूलर थे उन्होंने इस फोर्ट को कैप्चर किया था, काफ़ी चेंजेस हुए थे उसके बाद, तो आई थिंक उन्होंने काफ़ी दिल्ली की चीज़ें यहाँ पे डाली हुई हैं। जो गेट के नेम भी हैं वो भी काफ़ी मिलते जुलते हैं, सिमिलर सी कुछ जगह हैं जो ऑलरेडी हैं दिल्ली में, उनसे मिलते जुलते हैं सब कुछ। बाकी चढ़ाई बहुत है, मास्क की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बट एनी हाउ आए हैं, एक्सप्लोर करके जाएंगे, घूम के जाएंगे। और यहाँ से अभी तक का प्लान है कि यहाँ से फटाफट घूम के हम लोग जाएंगे धर्मकोट वाटरफॉल, ओनली इफ टाइम अलाउस, क्योंकि अभी 2:45 हो गए हैं, अंधेरा हो जाएगा तो जाने का मतलब नहीं वहाँ पे, तो फिर देखेंगे कहीं आसपास लोकल कहीं चले जाएंगे, लेट्स सी, जो उसकी मर्जी होगी उससे आगे हम सिर झुका देंगे, और क्या, उससे पंगे नहीं, इससे ले सकते हैं। तो गाइस, अभी हम लोगों ने फोर्ट घूम लिया है, वापस निकल रहे हैं। इसको वीडियो तभी बनाएंगे तो जब मैं पीछे बैकग्राउंड में और तुम्हें तभी फ्लो तोड़ना था, मैं फ्लो में होता हूं। तो वही ना गलत बात है ना दोनों की। नहीं, अब मैं तेरे साथ ही बनाऊंगा, मेरे को बाल खड़े ठीक करने दो। अभी हम लोगों ने फोर्ट घूम लिया है, फोर्ट घूम के हो गया है, यहाँ से निकल रहे हैं। इट्स वेरी टायरिंग प्लेस, डोंट कम। नहीं नहीं, डू कम, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और बिकॉज जगह से एक ही व्यू दिखता भाई, बट फोटोज अच्छी आती है भाई, तुम क्या जानो खूबसूरती को, हैं बहुत जल्दी आ गए। हाँ, तुम्हें लड़कियों से फुर्सत कहाँ है, वही दिखता ये डाल दूंगा बस, मैं और तेरी मम्मी को दिखाऊंगा, तो दिखा दे वो, तो मैं वैसे ही डाल दूंगा फिर, ठीक है। हम लोग रुके थे व्यू एंजॉय करने के लिए, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, तब लोग व्यू देख लो पीछे। और इससे मुझे एक बात याद आई, आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, और आपको कोई व्यू अच्छा लगे या आपके साथ में कोई लोग बैठे हैं उन लोगों को व्यू अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग उसी टाइम गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, व्यू को मत देखो, आपको लगता है देखना है वर्दी है, साइड में रुक जाओ, गाड़ी रोक दो, बाइक रोक दो, देन देखो, बिकॉज आपका फोकस रोड पर रहना चाहिए, एंड यू नेवर नो कि अगले टर्न पर कौन सा सरप्राइज आपके लिए वेट कर रहा है, तो इट्स ऑलवेज बेटर। इनफैक्ट जब आप मोशन में होते हो और आप व्यू को देखते हो ना, तो यू ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग डिजी, तो इट्स बेटर रुक जाओ, बी सेफ, व्यू एंजॉय करो, मेमरीज साथ में कैप्चर करो अपने साथ, गाड़ी में बैठो, बाइक में बैठो, एंड देन कंटिन्यू ऑन योर जर्नी। बस ये छोटी सी बात शेयर करनी थी, व्यू शेयर करना था आप लोगों के साथ, इसलिए हम रुके थे यहाँ पे, अभी आगे चलते हैं हम लोग वाटरफॉल की तरफ। आगे आगे चलूं मैं, पीछे मेरी जिंदगी, थोड़ा सा जी लूं आज, मर्जी है मेरी, कच्चे कच्चे रस्तों पे जिंदगी है टेढ़ी सी, रोशन है रात और सुबह मेरी अंधेरी सी, बीते लम्हों को बुला के पल थोड़े से चुरा के। तो गाइस, जैसा कि भाई ने आपको बोला था कि कल हमने जो आपको रेंजेस दिखाए थे कि उसके हम थोड़ा सा और पास जाएंगे, तो आज हम थोड़ा सा पास आ गए उनके, ये देखिए। तो गाइस, जैसा कि हम आपको दिखा चुके हैं, अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं एक वाटरफॉल की तरफ, जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको अगला अपडेट देते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, होपफुली सनडाउन होने से पहले पहुँच जाएं, बिकॉज थोड़ा सनडाउन हो गया है, और ये कच्चा पक्का रास्ता ही है, ऑफ रोडिंग है, गाड़ी में फर्स्ट टाइम ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ, बाइक पर तो खूब करी है, ठीक है, ये भी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, तो इन फ्यूचर कभी हुआ तो गाड़ी पर भी हम लोग कहीं लॉन्ग ड्राइव करेंगे। अरे तो भाई साहब, आज की सिचुएशन के बारे में आपको क्या कहना है? अरे माँ, तो गाइस सिचुएशन ऐसी है, इतना बुरा था कि इसे मेरी बंदी नहीं भी आज तक मेरा नहीं काटा जितना आज गूगल आंटी ने काटा है हमारा। हमें धर्मकोट वाटरफॉल जाना था,
गूगल मैप पर डाला, ऑब्वियसली टूरिस्ट हैं कुछ पता नहीं है तो गूगल मैप यूज़ कर रहे थे, और पता नहीं कहाँ ले आया गूगल मैप हम लोगों को, यहाँ वाटरफॉल के नाम पे कुछ भी नहीं है, डब्ल्यू भी नहीं है वाटरफॉल के नाम का। और अब यहाँ से पूछा हम लोगों ने तो उन्होंने बोला यहाँ से 9 किलोमीटर नीचे जाओ, वहाँ से रास्ता कटेगा और 18 किलोमीटर और आगे है। तो अभी इतनी हिम्मत तो हमें नहीं है, और जाते जाते रात हो जाएगी तो कोई मतलब ही नहीं बनता वहाँ जाने का। तो यहाँ से बस थोड़ा बहुत दुकान है, यहाँ से थोड़ा खाने पीने का सामान लेके चिप्स लेके खा के निकल जाएंगे, बिकॉज हमने सुबह का ब्रेकफास्ट ही किया हुआ, कहीं हमने कुछ खाया नहीं है सच, इच्छा ही नहीं करी, कुछ भूख भी नहीं लगी हम लोगों को। और रात को फिर धमाल शमाल होना है तो कैलोरीज बर्न कर रहे हैं थोड़ी सी। अभी तो आपका भाई थोड़ा मोटा भी हो गया पहले से, आई नो, बट ठीक है धीरे धीरे वो भी कवर अप कर लेंगे। आज बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है मेरे को, क्योंकि मन था वाटरफॉल की फोटोज देख रही, कुछ वीडियोज देख रहे मैंने, तो थोड़ा सा ऐसे हाइक करके जाना पड़ता है वो था, बट ठीक है, एनी हाउ जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ तक आए, राइड करी, गाड़ी ऐसी जगह चलाई है मैंने, इतनी पतली ऐसे मतलब गाड़ी जितनी रोड, सामने से गाड़ी मेरी गाड़ी, वहाँ पे आगे पीछे किया, तो अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया। तो ठीक है, अपन वही है कि खुश रहते हैं, जो मिल रहा है जितना मिल रहा है उसमें अपन राजी हैं, खुश हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से सीधा होटल जा रहे हैं, मेरे को एक प्रोडक्ट शूट और करना था वो भी रह गया है, तो होटल जाके कर लेंगे, वहीं कुछ देख लेंगे। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल रात को फिर वही हुआ, हम लोग आए काफ़ी थक गए थे कल तो हम लोग, क्योंकि परसों रात को हम लोग बहुत लेट सोए थे, कल जल्दी उठ गए थे, दिन भर घूमते रहे यहाँ से वहाँ, तो आए फिर अपना पार्टी वार्टी गई थोड़ी देर, धमाल किया, फिर हम सो गए थे। एंड सुबह भी उठते उठते काफ़ी आलस में हम लोग उठे, 8:30-9 बजे उठे, फिर ब्रेकफास्ट करके आए, तब से बस सब सुस्ता रहे थे। तो मैंने कहा मैं भूल गया था कल ब्लॉग एंड करना, तो मैंने कहा पहले ब्लॉग एंड करता हूँ फटाफट, अभी पगड़ी उड़ी बांध रही रेडी हो गया हूँ, बस दाढ़ी सेट करनी रह गई है, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सेट हुई दिखेगी मेरी दाढ़ी। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इफ़ यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी, और मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया नेक्स्ट ब्लॉग में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज सिंग ऑन व्हील्स साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट ब्लॉग कमिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड। तो पे जिंदगी है छोटी सी, इस पल को जी लो जैसे पल है कोई आखिरी, बीते लम्हों को बुला के, पल थोड़े से चुरा के, बीते लम्हों को बुला के, पल थोड़े से चुरा के, पल धीरे धीरे बहता जाए जा।